तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल टॉप 5 में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं अपने नए मेहमानों से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया हो सके तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वहां पे नीचे जो रेड कलर का बटन होगा उसे दबा के आप ब्राउन कर दें। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना कल के लिए, कल आपको 9 से 10 के बीच में इस चैनल पे आना जरूर है, चाहे YouTube की नोटिफिकेशन आए चाहे मत आए, लेकिन आपको यहाँ आना है क्योंकि कल एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले देख ही लेते हैं आज की वैकेंसी किसके बारे में है। ये वैकेंसी है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसमें देखिए एक पोस्ट है आयुर्वेद का, ठीक है, और सेकेंड पोस्ट आया है स्टाफ नर्स का, जिसे आयुर्वेदा इसमें बोला गया है, और 5 पोस्ट है आपका LDC का और 35 पोस्ट है MTS का, ठीक है। तो अब देख लेते हैं मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपका। एक जो फार्मासिस्ट है उसकी, या आयुर्वेद जिसे बोल रहे हैं, उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और वो भी SC कैटेगरी की है। और स्टाफ नर्स की 7 वैकेंसी है, OBC SC एंड अनरिजर्व। OBC का 3 है, SC का 1 है, अनरिजर्व का 3 है, LDC का 5 है और MTS का 35 है। यहाँ इंडिविजुअली देख लेते हैं कितना कितना है। OBC का 15 है, फिर ST का 3 है, अनरिजर्व का 14 है, और इसमें देख लीजिए इस तरह 1 1 3 इस तरह है। अब देख लेते हैं कितना पे स्केल होगा। 29,200 रुपये ए आयुर्वेद का होगा, ओके। और जो आपका मैं एज है जनरल वालों के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देख लीजिए स्टाफ नर्स का पे स्केल कितना होगा, 29,200 से लेके 92,300, ठीक है। 29,200 आपका ये बेसिक पे है, और जो भी आपकी एज है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देख लेते हैं LDC की क्या है, 19,900 से लेकर 63,200 तक आपका ये पे स्केल रहेगा, ठीक है। और MTS का देख लेते हैं क्या है, 18,000 से लेकर 56,900 तक। और इसी तरह जो आपका LDC की मैक्सिमम एज था 27 साल, और उसी तरह आपका MTS का जो मैक्सिमम एज है 25 साल। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे आपका आयुर्वेद के लिए क्वालिफिकेशन है 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट बोर्ड, ठीक है, और उसी के साथ साथ ये होना चाहिए डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी नॉट लेस देन 3 ईयर्स ड्यूरेशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपके पास ये हो या आपने बी फार्मा किया है आयुर्वेदा से किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और स्टाफ नर्सिंग के लिए क्या है, 12th पास हो और इन्होंने डिप्लोमा किया हो आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी नॉट लेस देन 3 ईयर, और उसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। LDC के लिए देख सकते हैं 12th पास हो किसी बोर्ड से और आपको थोड़ी सी टाइपिंग आनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी का, सॉरी इंग्लिश का, एंड 30 वर्ड पर मिनट का हिंदी के लिए, ठीक है। और इसीलिए देखते हैं MTS का क्या है। अब बस आपको क्या है, 10th का सर्टिफिकेट हो, आपको 10th पास है, आप उसके लिए MTS के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए और देख लेते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा। जो भी यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो भी क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पे दिया है वही क्वालिफिकेशन वैलिड है, या उसके इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं वैलिड रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन क्या होगा। SC वालों को 5 साल मिलेगा, ST वालों को 5 साल मिलेगा, OBC वालों को 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, और फिर हैंडीकैप्ड वालों को 10 साल, ठीक है। अब मान लीजिए आपका डेट जो भी होगा 1/1/2019 को कैलकुलेट होगा। अगर मान लीजिए आप नहीं पता चल रहा है आप कितने साल के हैं, तो ठीक है जब भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो और 1/1/2019 से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, बस आपका एक स्टेप होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन बस पोस्टिंग हो जाएगी फिर, ठीक है। अब देख लीजिए क्या क्या एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1.5 घंटे के रहेंगे, हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स रहेंगे, और हर गलत पे 0.5 नंबर कटेंगे, 0.5 नंबर, 1.25 नहीं, 0.5 नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी सिलेबस होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया जाएगा जैसा यहाँ पर भी बताया गया है। और LDC वालों के लिए जो भी 5 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ठीक है, उनका फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट है मतलब फिर
वो टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, और जो फाइनल मेरिट बनेगा आपका कंट्रोल टाइपिंग टेस्ट, जो फाइनल मेरिट बनेगा दोनों को इंक्लूड करके ही बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, फाइनल मेरिट विल बी ड्रॉन एंड बेसिस द मार्क ऑब्टेन एंड द रिटन, रिटन को स्क्रीनिंग बोल रहा है टेस्ट एज वेल एज टाइपिंग टेस्ट, फिर दोनों को मिला के ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, और देख लेते हैं अब थोड़ा सा इसका अप्लीकेशन फी थोड़ा इसका ज़्यादा है, बट उसके हिसाब एक बार थोड़ा सा पैसा लगाइए, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, अब इसके चक्कर में लोग ज़्यादा लोग भरते भी नहीं हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप कृपया इसे भरें, क्योंकि थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो बहुत कम लोग ही अप्लाई करेंगे, तो मे बी आपकी लक हो सकता है, और सैलरी भी अच्छी ही है। ठीक है, देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी 2,000 है, ठीक है, और SC ST के लिए कितना है 1,600, ये तीन पोस्ट के लिए है, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स एंड LDC, ओके, और 1,800 है, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, हाँ, और जो आपका 1,800 वो किसके लिए होगा, MTS के लिए, और आपका SC और ST वालों के लिए कितना होगा आपका, वो होगा 1,400। ठीक है, बट ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, बट आपको इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा DD बनवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और DD बनवाना किस कहाँ पड़ेगा, इन फेवर ऑफ डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, इस नाम से आपकी DD बनेगा, इन फेवर ऑफ दिस आपको DD बनवाना पड़ेगा। तो चलिए और देख लेते हैं, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फी एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा शुड बी रिसीव्ड दिस। यहाँ पे मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट आप सेंड करिएगा सारे सेल्फ अटेस्टेड करिएगा, जैसे मान लीजिए 10th का मार्कशीट हो गया, आपका कॉस्ट सर्टिफिकेट हो गया, जो भी होगा सेल्फ अटेस्टेड करिएगा, और आपको कहाँ पे सेंड करना है, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जोरावर सिंह गेट अमेर क्या है अमी अमेर रोड जयपुर, ठीक है, और 30220, 5 बजे से पहले भेज देना है, 31/10/2018। और एक आपको और एक चीज़ करना है, अनसेम पासपोर्ट साइज आपका, यहाँ पे दो फोटो सेंड करना है, मैं दिखा दे रहा हूँ अप्लीकेशन फ़ी क्या है, सॉरी अप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है, यहाँ पे तो एक अपना सेल्फ अटेस्टेड आप वो कर दीजिएगा, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक और अपना सेम फ़ोटो स्टेपल कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब एडमिट कार्ड इशू करेंगे वो लोग तो इसी के जो आप एक सेंड करिएगा उसी के बिहाफ पे आपका एडमिट कार्ड, मतलब उस एडमिट कार्ड पे ए वाली फ़ोटो रहेगी। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ भर दीजिएगा, और सब कुछ जैसा ये दिया है, और यहाँ पे मतलब लिस्ट ऑफ द इंक्लोजर विद द एप्लीकेशन, आप जो जो साथ में रखिएगा सामान, जैसे मान लीजिए 10th का सर्टिफिकेट, कॉस्ट सर्टिफिकेट एंड जो जो भी होगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर 10 नंबर डाल के लिख दीजिएगा 10th सर्टिफिकेट, 11 नंबर डाल के लिख दीजिएगा कॉस्ट सर्टिफिकेट, ऐसे ऐसे यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, और सब कुछ इसको भर दीजिएगा, और यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, और डेट भी डाल दीजिएगा, और किस डेट को यहाँ पे देखिए DD किस डेट को बन रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फी DD नंबर, ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे लिख दीजिएगा, और मेरे को लग रहा है मैं सब कुछ बता ही दिया हूँ, कुछ बाकी तो है नहीं, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं 9 से 10 के बीच में, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।